Hey guys, what's up? आज है 25 अक्टूबर और आज से स्टार्ट हो चुका है इंडियन मोबाइल कांग्रेस। ये IMC चलेगा 3 दिन के लिए, 25, 26, 27, और हम इसे तीनों दिन ही कवर करेंगे। तीनों दिन के अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ आएंगे चैनल के ऊपर, तो अगर आप यहाँ पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दो ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। IMC की एक और चीज़ तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे इस बार सब कुछ 5G बेस्ड है। 5G होम, 5G सिटी, 5G हॉटस्पॉट, 5G फार्म, सब कुछ 5G के बारे में। हर बूथ पे 5G है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सैमसंग के बूथ से। तो सबसे पहले हम सैमसंग के बूथ पे अभी आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे सैमसंग ने कार शोकेस करी है, जो कि कुछ नहीं है, बस एक डेमो के लिए है। मेन जो डिवाइस है वो है ऊपर सैमसंग का हॉटस्पॉट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, आपकी कार के अंदर या फिर जो भी आपका व्हीकल होगा उसके अंदर एक 5G इनेबल्ड सिम लगाई जाएगी और ये जो हॉटस्पॉट हैं ये रोड्स पे इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही आपकी कार या फिर जो भी आपका व्हीकल होगा इस हॉटस्पॉट के नीचे से गुजरेगा, आपका जो भी डेटा है, मीडिया, मैप्स, और आपका जो भी डेटा है, मैप्स आएगा, ट्रैफिक, जो भी आपका डेटा है, वो विद इन सेकेंड डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपकी अगर कार स्पीड में जा रही है, एक सेकेंड के लिए गुजरेगी, उसी सेकेंड में जो भी आपकी फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। तो इसके पीछे का यही कॉन्सेप्ट है अभी। ओके, तो दूसरी चीज़ है 5G स्टेडियम। ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सभी डिवाइस, इन सभी में 5G इनेबल्ड है। ये सभी अल्ट्रा HD वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं 5G नेटवर्क्स पे। ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर तक इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे 5G इनेबल डिवाइसेस। जो दूसरी चीज़ है वो है यहाँ पे 5G सिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो सिटी का एक पूरा कॉन्सेप्ट बना रखा है इन लोगों ने। ओके, तो इसमें है क्या, जो भी स्ट्रीट लाइट हैं एक एरिया में, जो भी स्ट्रीट लाइट हैं वो सभी 5G नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहेंगी और यहाँ बीच में एक ड्रोन इंस्टॉल्ड होगा और जो भी यहाँ पे एक्सीडेंट होगा या फिर अगर कोई गलत यू टर्न ले रहा है या फिर रोड पे कोई भी बंदा इधर उधर निकल रहा है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो ड्रोन के थ्रू वो कैप्चर होगा और फिर हाल की हाल वो जहाँ पे भी उसका रिस्पेक्टिव फील्ड है, जो भी कंपनी है, जहाँ पे भी इन्हें भेजना होगा, अभी ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं करा है, वहाँ पे वो इन्फो जाएगी और फिर वहाँ से एक्शन लिए जाएंगे। तो यही अभी इनका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक इन्होंने स्ट्रीट लाइट का डेमो दे रखा। बस बस इस तरह का ये डिवाइस होने वाला है। ओके, सो ये है 5G फार्म और इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको यहाँ पे अंजलि बता देंगी आपको कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अंजलि, यहाँ पे ड्रोन का और इस 5G कनेक्टिविटी का इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आप एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? Basically, these all 5 sensors are connected to the 5G network. So, you know, for these network to be directly connected to the 5G, you need a 5G communication module. That is right there. All right? This is basically big in size and it's very cost effective, very expensive. So, what Samsung does, they came up with a connectivity node. As you can see, this is very small in size. And the best part, it supports very low power. Secondly, low cost communication protocols like Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee's, BLE, many more. So through this connectivity node, it become very easier for the farmers to get directly connected to these sensors, right? So it become very easier for the agriculture farmers to, you know, access the data and act upon it accordingly. Well, Anjali, isme drone ka role kya hai? Basically, the role of the drone is not that too much. It basically sprinkle the pesticides among the crops in a same amount, right? And another thing, there's a camera inside it, which captures all the data and can zoom in like in very detail. And what the sensor does, these sensors access all the data to the skyship, directly to the skyship, yeah. So these collect all the data and access all the data and, you know, forward it to the farmer. So it become very easier for the farmers to, you know, go through it without going to the farm and sitting in. Well, farmer ke paas itne paise to ho nahi payenge. Yes. Ye bahut hi zyada, iski cost bahut zyada high hone wali hai. To iske liye koi solution hai abhi ya fir abhi ye sirf concept hai? Actually, this is just a concept which is not yet implemented and maybe it will get implemented soon by 2020. But yahan pe issue ye aata hai ki this farmer can't afford, right? It's very expensive kyunki itne modules hain, farmers generally digital phone bhi nahi use kar pate hain. So yahan pe ye questions abhi bhi reh gaya hai ki maybe they'll directly sell it to the government or directly to the farmers, because it's not possible to directly sell it to the farmer ke paas to nahi sell sakte. It's not possible. So maybe soon jab ye implement hoga, hopefully we'll get an idea ki wo kaise implement hoga. Thank you so much. ओके, सो अभी IMC के अंदर ही मीडियाटेक ने अपना हीलियो P70 लॉन्च कर दिया है। P70 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो P70 की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो P60 से 10-30% बेटर होने वाली है, ऐसा इन लोगों ने यहाँ पे बताया है, जो वही मैं आपको बता रहा हूँ।
और इसमें आपको गेमिंग का भी एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिलेगी और यहाँ पे कैमरा फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, मतलब कैमरा का सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये 32 मेगापिक्सल तक सपोर्ट कर सकता है सिंगल कैमरे में और 24 प्लस 12 मेगापिक्सल तक सपोर्ट कर सकता है डुअल कैम में, 24 प्लस 16 मेगापिक्सल तक आराम से सपोर्ट कर सकता है। बाकी इसके बारे में अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप नीचे वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आराम से पढ़ सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दिसंबर से पहले मतलब 2018 के एंड होने से पहले एक रियलमी का नया डिवाइस आएगा और उसमें ये P70 की चिप होने वाली है और ये पहला डिवाइस होगा इंडिया में भी और ग्लोबली जिसमें हीलियो का P70 प्रोसेसर होगा। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम जाते हैं किसी दूसरे बूथ पर और वहाँ पर जाके वीडियो दिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है नोकिया 7.1 जो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे डिवाइस हैं लाइक 6.1, 3.1 और नोकिया का बनाना डिवाइस, बट हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 7.1 को कवर करेंगे। इसके मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ जल्दी से। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे आपको 5.8 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ और यहाँ पे आपको कटिंग एज डिज़ाइन मिलती है जिससे कि डिवाइस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील लगता है। यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है नोकिया के साथ। और अगर यहाँ पे चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर है एड्रीनो 509 GPU के साथ। यहाँ पे दो वेरिएंट में डिवाइस आएगा 3GB रैम और 4GB रैम के साथ। और अगर कैमरे की यहाँ पे बात करें तो आपको पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 12 MP प्लस 5 MP के लेंसेज के साथ और फ्रंट में 8 MP का सेल्फी शूटर है। और यहाँ पे 3060 mAh की बैटरी है, इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और इसमें USB Type-C का सपोर्ट है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे काफ़ी सारी और एक्साइटिंग चीज़ें हैं कवर करने के लिए बट वो आज हमने नहीं कर पाए क्योंकि पहला दिन था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। बट डे 2 और डे 3 में आपको काफ़ी सारी और चीज़ें मिलने वाली हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसी थी, पब्लिक में पहली बार शूट कराया, सब लोग ऐसे देख रहे थे थोड़ा अजीब लग रहा था। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको कल एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कर दिया स्टार्ट, कर दिया। P70 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो P70 की जो रीटेक भूल गए। यस सर, भूल गए। अबे पीछे से आवाज़ें आ रही है ना यार।